आज हम डॉक्टर स्पेक्ट्रा में पार्थ जी का फीडबैक शेयर कर रहे हैं। उनके डॉक्टर रिपोर्ट और प्रिस्क्रिप्शन के साथ आइए सुनते हैं उन्होंने पेटनाइटिस की प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया। सर थैंक यू सो मच अपना ऑडियो फीडबैक हमारे साथ शेयर करने के लिए। आप हमें बताएंगे आपकी एज क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरी एज 35 है। ओके एंड राइट नाउ आई बिलोंग टू इंडिया अहमदाबाद। अच्छा ठीक है, तो आपको ये टिनाइटिस की प्रॉब्लम कैसे स्टार्ट हुई और आपने इसके लिए कहाँ का डॉक्टर्स को दिखाया? टिनाइटिस की प्रॉब्लम एक्चुअली मेरी राइट आई में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, उसके बाद मैंने स्ट्रेस लेना शुरू कर दिया। तो ये स्ट्रेस तो टिनाइटिस था। और बहुत सारे डॉक्टर को बताया, सीटी स्कैन करवाया, बहुत मतलब सारे रिपोर्ट करवाए, उसमें कुछ आया नहीं। अच्छा, तो आपने मेडिसिन वगैरह खाई, सब करा, बट कुछ भी डिफरेंस नहीं हुआ? हाँ, मेडिसिन वो मेडिसिन भी बहुत सारे ली, विटामिन वो जिंजोबा ग्लोबा करके कुछ दवाई आती है। हाँ हाँ, जिंको ग्लोबा ना सर जी? हाँ जी। कुछ उससे हुआ नहीं। ओके, तो फिर आपको हमारे बारे में कैसे पता चला? तो मतलब पूरा दिन ये जो कान में से आवाज आ रही थी, उसकी वजह से मैं भी थोड़ा डिप्रेशन में चला गया था। ओके। और फिर मैंने ऑनलाइन सर्च करना शुरू कर दिया। अच्छा, फिर उसके बाद ऑनलाइन आपको हमारा हाँ तो पता चला कि आप ऐसा कुछ डिवाइस आपके पास है ओके जिससे ग्रेजुअली कंट्रोल में या फिर आवाज सुनाई भी नहीं बंद हो जाती। ठीक है, तो आपने जैसे हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो आपको सबसे पहले किन चीजों में आराम आना शुरू हुआ? तो सबसे पहले तो मैं सो नहीं सकता रहा इस आवाज की वजह से। ओके। तो धीरे धीरे मुझे नींद आने लगी। अच्छा। और मैं कहीं पे भी फोकस नहीं कर पा रहा था, जैसे कि मेरा टीचिंग का प्रोफेशन है। अच्छा। तो मैं टीचिंग भी जिस तरह से कर नहीं पा रहा था, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि ये थोड़ा थोड़ा कम होता गया और नींद आने लगी, थोड़ा बैलेंस बनने लगा बॉडी में और माइंड में दोनों चीजों। तो अभी अगर मैं सर सबसे पहले मेरी नींद जो थी वो ठीक हो गई। अच्छा, स्लीप बेटर हुई, बाकी कंसंट्रेशन हेवीनेस वगैरह ऐसा कुछ तो समस्या नहीं है अभी? नहीं, अभी तो कुछ भी समस्या नहीं है। ठीक है, तो अभी अगर मैं परसेंटेज में पूछूं आउट ऑफ 100 अभी कितना बेटर फील कर रहे हैं आप? आउट ऑफ 100 अगर देखिए मैडम, मेरा उस टाइम का जो मेरा फेस था और अभी देखिए तो वैसे तो 100% बोल सकते हैं। लेकिन अभी कभी कभी क्या पूरा साइलेंट एनवायरनमेंट हो, एकदम साइलेंट एनवायरनमेंट, तो थोड़ी सी हल्की सी आवाज रहती है, लेकिन अभी क्या हुआ कि माइंड वहाँ पे जाता नहीं है सर। अच्छा ठीक है, तो मतलब वो काफी अब बेटर हो चुका है आपका एंड अभी आप थेरेपी नहीं कर रहे हो, राइट? चलिए बहुत अच्छी बात है पार्थ सर, एंड ऐसे ही आपका पूरा भी बेटर हो गया है। तो अब जैसे आपने भी बोला है कि अभी कॉल्स भी नहीं करनी है ना आपको फीडबैक के लिए, बिकॉज अभी आप ऑलमोस्ट ठीक हो चुके हो। हाँ जी, एंड एक लास्ट चीज़ है, जैसे आपको काफ़ी पेशेंट सुन रहे होंगे तो आप कुछ बोलना चाहेंगे अवेयरनेस के लिए, अगर उनको ये प्रॉब्लम हो तो वो कहाँ दिखाएं, किससे कंसल्ट करें? हाँ नहीं, मतलब आपका जो ट्रीटमेंट है वो मैंने साइंटिफिकली भी देखा। हाँ जी। और मैं तो सबको बोलना चाहूंगा कि एक बार तो ये थेरेपी लेनी चाहिए। अच्छा, थैंक यू सर। तो डॉक्टर स्पेक्ट्रा में एक बार आइए और वहाँ पे एक बार ट्राई कीजिए। हाँ जी। और मेरा जो प्रॉब्लम था वो तो ऑलमोस्ट नली पड़ी हो गया है। ठीक है, तो मैं दूसरों को भी मतलब ये सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ आए और वो। थैंक यू सो मच पार्थ सर।